में अक्षय तृतीया का पर्व विशेष महत्व रखता है। हर साल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं और जब उनका तेज सर्वोच्च होता है, उस तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है और इस शुभ तिथि को अक्षय तृतीया व अक्खा तीज कहा जाता है। ये कैसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने हेतु पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ, हवन, शादी, स्वर्ण खरीदने, नया सामान, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, भूमि पूजन व नया व्यापार शुरू करना शुभ होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। यही कारण है कि भगवान विष्णु की उपासना के साथ ही परशुराम जी की पूजा भी की जाती है और इस दिन स्त्रियां अपने परिवार की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सत्ययुग एवं त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भगवान परशुराम, नर नारायण एवं हयग्रीव तीन अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही धरा पर आए थे। इस दिन राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्ष तक तप कर उन्हें धरती पर लाए थे। अक्षय तृतीया के दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।